मेरा नाम रुचि खोसला है, मैं एक माइंड बॉडी कोच और योगा थेरेपिस्ट हूँ पीटो के साथ। ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है टू मैनेज डायबिटीज एंड क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस, देन आसना, देन प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं। हैंड स्ट्रेचेस करने के लिए दोनों पैरों में सामान्य गैप रखेंगे, पैर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों हाथ सामने, उंगलियां इंटरलॉक। सांस भरते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे, बाहरी तरफ घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस लेके जाएंगे एल्बो स्ट्रेच। सांस भरते हुए फिर से वापस लाएंगे चेस्ट के पास और सांस छोड़ते हुए उल्टी साइड पे हाथों को घुमाएंगे। सांस भरेंगे, वापस लाएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करें, सांस भरते हुए फिर से वापस और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस भरें वापस एंड सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, फिर से सांस भरें वापस, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स करेंगे। नेक स्ट्रेच करने के लिए पैरों को पैरेलल रखेंगे एक दूसरे के, सांस भरते हुए अपने सिर को एक्सट्रीम राइट पे घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए सर को एक्सट्रीम लेफ्ट घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरे राइट कान को राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करें, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरे लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरे सर को ऊपर लेके जाए, सांस छोड़े वापस और सांस भरे सर को नीचे लेके जाए, सांस छोड़ते हुए वापस। करेंगे फॉरवर्ड लेग पुल, दोनों हाथों को सामने रखेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड और एक एक टांग को उठा के दोनों हाथों के बीच में लाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिलैक्स करेंगे साइडवर्ड लेग पुल, दोनों हाथों को 180 डिग्री पे साइड पे खोलेंगे और एक एक टांग को उठा के साइड पे लेके जाएंगे ऑन एन एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिलैक्स करेंगे स्पॉट रन, जहां पे खड़े हैं आपको यहीं पे हल्का भागना है। मुट्ठी बंद करेंगे, हल्की सी बैक बेंड करेंगे, हल्के से घुटने फोल्ड और यहाँ पे आप भागेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. करेंगे त्रिकोणासन, त्रिकोणासन के लिए अपनी टांगों को बाहर की तरफ खोलें, पंजे अंदर की तरफ रखें, कोशिश करें आप जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं आपको अपने थाइस पे स्ट्रेच फील होगा। दोनों हाथों को 180 डिग्री पे खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को लेफ्ट पैर पे ले जाएंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर ऊपर देखें, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ से राइट एंकल पकड़ेंगे, राइट हाथ ऊपर ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए वापस, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, relax. करेंगे पश्चिमोत्तानासन, इसके लिए आप टर्न अराउंड करेंगे और दोनों टांगों को बाहरी तरफ खोल दें, दोनों हाथ घुटने, सांस भरते हुए पीछे स्लाइड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे आएंगे, अपने दोनों हाथ पैर पे टच करेंगे, सिर को नीचे कर दें,
जो लोग ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी एंकल्स पकड़ेंगे और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस भरते हुए पीछे स्लाइड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे आएंगे। अपने दोनों हाथ पैर पे टच करेंगे, सिर को नीचे कर देंगे। जो लोग ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी एंकल्स पकड़ेंगे और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस भरते हुए पीछे स्लाइड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे आएंगे। अपने दोनों हाथ पैर पे टच करेंगे, सिर को नीचे कर दें। जो लोग ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी एंकल्स पकड़ेंगे और सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे मकर आसन। इसके लिए आपको पेट पे लेटना है, अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखना है, पैर के बिग टो को जोड़ेंगे और अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ निकाल देंगे। पैरों को, टांगों को बिल्कुल लूज छोड़ें, बॉडी को लूज छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद करने के लिए आपको अपनी बैक पे लेटना है, दोनों हाथ कमर के साइड पे, दोनों घुटने फोल्ड, घुटनों में और पैरों में कंफर्टेबल गैप, हील्स हिप्स के पास। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और चेस्ट को चिन तक टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, ब्रीद इन, लिफ्ट योर बैक अप As high as you can. Breathe out and come back. Breathe in, lift your back up. As high as you can. Breathe out and come back. Breathe in, lift your back up. As high as you can. Breathe out and come back. And relax. करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए आपको अपनी बैक पे लेटना है, दोनों हाथ कमर के साइड पे रखने, पैर जुड़े हुए, पंजे नीचे खींचे हुए। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और क्राउन को नीचे लगाएंगे। पॉस्चर को होल्ड करके रखेंगे, ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, जॉइन योर टोज, टोज पॉइंटिंग डाउन, योर आर्म्स ऑन द साइड, ब्रीद इन, लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड प्लेस योर क्राउन ऑन द मैट। ब्रीद आउट एंड कम बैक, जॉइन योर टोज, toes pointing down, your arms on the side, breathe in, lift your chest up and place your crown on the mat. Breathe out and come back, join your toes, toes pointing down, your arms on the side, breathe in, lift your chest up and place your crown on the mat. Breathe out and come back and relax. करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए आपको सीधा अपनी बैक पे लेटना है और बॉडी को लूज छोड़ना है। अपनी दोनों टांगों को खोलें, दो फीट दूर, दोनों हथेली आसमान की तरफ, शरीर से एक फुट दूर, आंखें बंद और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं और बॉडी को लूज छोड़ दें और ध्यान को अब ब्रेथ पे लेके आए।
एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत करने के लिए आपको सांस पूरा पेट में भरना है और जब सांस छोड़ेंगे ओम ध्वनि के साथ सांस छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, एक गहरी लंबी सांस भरें। सांस भरें सांस भरें सांस भरें सांस भरें रिलैक्स। आप उद्गीत को 5 बार कर सकते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं 7, 10, 11 जो आपको कंफर्टेबल हो। आइडियली ये दोनों टाइम करना चाहिए, सुबह और बिफोर यू स्लीप, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा और एनर्जी रिवाइव हो सके। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार करने की विधि है, आप क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ सकते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, सांस पूरी बाहर निकालेंगे, पेट को खाली करेंगे और पेट को अंदर लेके जाएंगे। अब आप यहाँ पे सांस रोकेंगे और पेट को अंदर बाहर पंप करेंगे। आप जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक पंपिंग करें, सांस भरें और दोबारा करें। इसको 3 बार करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें एंड पंप। सांस भरें, सांस छोड़ें एंड पंप। सांस भरें, सांस छोड़ें एंड पंप। सांस भरें, एंड रिलैक्स। अग्निसार एडवाइजेबल है खाली पेट ही करें ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अग्निसार नहीं करेंगे।